इस वीडियो की शुरुआत मैं कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहती हूँ। अपने देश अपनी जमी से निकाले गए हैं हम, जो लोग आए थे शहर को जलाने, कसम से उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। ना उनसे दुश्मनी थी, ना हम उनसे नफरत करते थे। जो ये सफर है इसकी कोई मंजिल नहीं है, बस आशा है एक सबको एक दिन हालात बदलेंगे, जिंदगी करवट जरूर लेगी। अभिषेक बच्चन और करीना की फिल्म आपने जरूर देखी होगी, जिसका नाम था रिफ्यूजी। उसमें जो कहानी है वो काल्पनिक नहीं है, वो इस दुनिया की हकीकत है। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आज भी अपने आशियाने की तलाश में घूम रहे हैं। आशियाना तो एक परिंदे का भी होता है जनाब, ये तो इंसान है, तो फिर क्यों इन्हें और लोगों से अलग माना जाता है? आखिर क्यों इन्हें इन्हीं के घरों से निकालकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया जाता है? दरअसल दुनिया भर में शरणार्थियों के साहस और शक्ति को सम्मानित करने के लिए हर साल आज यानी कि 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र इस दिन को उन शरणार्थियों को सम्मानित करने के लिए मनाता है जिन्हें उनके घरों से बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि नए देशों में शरणार्थियों के लिए समझ और सहानुभूति का निर्माण किया जा सके। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 के आखिर तक 8.24 करोड़ लोग जबरन विस्थापित किए गए। आप इनकी पीड़ा समझ सकते हैं। इन लोगों के विस्थापन के पीछे उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा, मानव अधिकारों का उल्लंघन या सार्वजनिक व्यवस्थाओं को गंभीर रूप से परेशान करने वाली घटनाएं शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में तुर्की में 36 लाख लोग रिफ्यूजी हैं। इसके बाद कोलंबिया में 18 लाख लोग रिफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं। सबसे पहले वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून 2001 में मनाया गया था। 1951 के रिफ्यूजी समझौते की 50वीं वर्षगांठ पर इस दिन का जश्न मनाया गया था। विश्व शरणार्थी दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को विश्व में पहचान मिल सके और इनकी मदद के लिए राजनीतिक इच्छा जाग सके, ताकि ये लोग दूसरे देशों में जाकर खुद के जीवन को दोबारा बना सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के तौर पर चिन्हित किया है। इस साल विश्व शरणार्थी दिवस का थीम टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन, यानी कि साथ में स्वस्थ रहना, सीखना और चमकना है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि कोरोना महामारी ने हमें सिखा दिया है कि साथ रहकर ही हम कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में हर मिनट औसतन 20 लोग हिंसा, युद्ध, आतंकवाद और प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कारणों से घर बार छोड़कर भागने को मजबूर हो जाते हैं। भारत में कुल 3 लाख शरणार्थी रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रोहिंग्या मुसलमान हैं। बता दें कि देश में करीब 40,000 रोहिंग्या हैं, जिनमें से 14,000 को ही शरणार्थी का दर्जा प्राप्त है और बाकी लोगों को सरकार अवैध घुसपैठिया मानती है। देखिए, आप एक दिन शरणार्थियों को समर्पित करते हैं, लेकिन क्या महज एक दिन उन्हें याद कर कि आप उस पीड़ा को दूर करना तो दूर समझ भी सकते हैं? इसी सवाल के साथ इस वीडियो को यही खत्म कर रही हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।